हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम है आपका मेरे इस ब्लॉग में। तो इस ब्लॉग में मैं आपको सिखाऊंगी इन शॉर्ट में वीडियोस बनाना। मेरे पास काफ़ी DMs आए ताकि मैं आपको वीडियो बनाना सिखाऊं इन शॉर्ट में। तो सबसे पहले तो आप इन शॉर्ट डाउनलोड कर लीजिए। मैंने डाउनलोड ऑलरेडी कर रखा है इन शॉर्ट। इसमें आप जब डाउनलोड कर चुके होंगे ना, तो आपके पास कुछ ऐसी स्क्रीन आएगी जिसमें आप न्यू पे क्लिक करेंगे। आप अपनी एल्बम में जो भी आपके पास फोटोज़ हैं, आप पहले ऑडियो रखिए ताकि आप उसको बाद में मर्ज कर सकें। अगर आपको अपना ऑडियो नहीं रखना है तो उस केस में आप अपना म्यूज़िक बाहर से ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे कि मैं अगर शुरू करती हूँ वीडियोज़ पे, वीडियोज़ में आप देखेंगे मेरा काफ़ी स्टोर है। तो जैसे कि मान लीजिए मैं अपना ले लेती हूँ, फ़ोटोज़ पे चलते हैं। वैसे आप वीडियोस भी यूज़ कर सकते हैं, फ़िलहाल मैं फ़ोटोज़ पे आपको सिखाती हूँ। जैसे कि मेरे फादर इन लॉ अभी करणी माता मंदिर गए थे, जो कि मैंने अपना बनाई भी है वीडियो जिस पे। तो जैसे मैं अगर सेलेक्ट करती हूँ फर्स्ट फ़ोटो, आप यहीं से सेलेक्ट कर लीजिए जितनी भी आपको सेलेक्ट करनी है, लाइक दिस। आपने जब सेलेक्ट कर लिया तो ये कुछ इस तरह से आपको डिस्प्ले में आएगी। सबसे पहले तो हम बात करेंगे, कभी भी अगर आपको YouTube के लिए वीडियो बनानी है तो आप कैनवस सेट कीजिए 16:9 में, ठीक है। लेकिन अगर आप शॉर्ट्स बनाना चाह रहे हैं तो आप कैनवस को ओपन करके आप ये, मैं तो खैर 9:16 यूज़ करती हूँ, वो आपकी चॉइस है आप क्या यूज़ करना चाहते हैं। तो आप ये कर लीजिए। अब आप ये देखेंगे ये एक तरह की थोड़ी सी वीडियो रेडी हुई है, जो फ़िलहाल मैंने प्ले नहीं किया है, जो कि 47 सेकंड्स के लिए है। अगर आप शॉर्ट्स बना रहे हैं तो ये सिर्फ 60 सेकंड्स की ही होती है, मतलब आप इतना ही बनाइए क्योंकि 1 मिनट के बाद आपका वो वीडियो में काउंट होता है। इसके बाद आप म्यूज़िक कैसे लगाएंगे, इसमें आप देखेंगे ये म्यूज़िक का ऑप्शन है। इसमें तीन है, म्यूज़िक, इफ़ेक्ट्स एंड रिकॉर्ड। अगर आपको लगता है कि आपको इसमें अपना रिकॉर्डिंग देना है तो उस केस में आप रिकॉर्डिंग दे सकते हैं इसको क्लिक करके। अगर आपको इफ़ेक्ट देने हैं, जैसे कि बेल की आवाज़ या अलार्म की आवाज़, तो इफ़ेक्ट्स में आप वो आवाज़ भी दे सकते हैं। लेकिन म्यूज़िक, जैसे मैंने म्यूज़िक प्लस किया तो माय म्यूज़िक खुलता है, तो ये सारी मेरी खुद की आवाज़ है जो मैं यूज़ करती हूँ। मैं इनको मर्ज करके एक फुल आवाज़ बनाती हूँ, मैं आपको वो वाला भी बताऊँगी लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल आज हम इन शॉर्ट की ही बात करेंगे। तो आपने जैसे कोई भी आवाज़ ले लेते हैं, मेरे पास करणी माता की भी वॉइस है, लेकिन फ़िलहाल के लिए जैसे मैं आपको कंकाल वाली झील की आवाज़ लेके दिखाती हूँ। आपने मान लीजिए जैसे ये वॉइस ले ली और आपने इसको क्लिक टिक कर दिया, तो ये आवाज़ ऑलरेडी चली जाएगी इस पर। इसमें आप देखेंगे कि ये आवाज़ तो लंबी है, लेकिन जो आपका वीडियो है वो 47 सेकंड्स के लिए है। तो उसके लिए अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी इन्हीं फ़ोटोज़ को लंबा खींच के उस आवाज़ तक ले जाऊँ, तो आप इस आइकन को, जैसे आपने डबल क्लिक किया इसको, तो ये आपका आइकन खुल जाएगा जिसको आप लंबा स्क्रॉल करके कर सकते हैं कितना भी चाहें तो, ठीक है। अगर आपको प्लस करके और अपनी कुछ फ़ोटोज़ आवाज़ के अकॉर्डिंग ऐड करनी है तो प्लस का साइन दबाइए। इसमें अगर वीडियो डालना है तो वीडियो, वरना फ़ोटो। अगर आप वीडियो ओपन करते हैं तो मेरे पास इसकी वीडियोस भी है, जैसे कि मैंने किया ये 21 सेकंड या 13:10, जितना भी आपको लेना है मैंने ये ले लिया। तो ये आपकी वीडियोज़ भी कुछ इस तरह से खुल जाएगी, ये देखिए, ठीक है। अब हमने इतनी तो बात कर ली है, अब इसमें आप फिल्टर कैसे लगाएं और आप टेक्स्ट कैसे डालें वो भी मैं आपको बताती हूँ। अगर आपका कैनवस हो गया, आपका म्यूज़िक हो गया, आपका स्टिकर, लेकिन स्टिकर्स इसमें कुछ खास नहीं है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अब जैसे मैं बात करती हूँ टेक्स्ट की, मैंने फ़र्स्ट फ़ोटो ओपन किया और टेक्स्ट डाला, तो मैंने जैसे कि इसमें लिख दिया कि ये मेरे फादर इन लॉ हैं, तो फादर
इन लॉ। उसके बाद आपके पास ये आइकन्स खुलते हैं, इस आइकन्स में आप जाकर फादर इन लॉ, इस आइकन्स में जाते हैं ना तो ये आपका ए है, इसमें आपको लैंग्वेज सेटिंग करनी है, जैसे आपका जो टेक्स्ट कैसा लुक करेगा, बड़ा और चेंज कर सकते हैं इस तरह से आप, ये आपका चेंज हो जाएगा। अगर आपको कलर चेंज करना है बाय चांस, ये मल्टी कलर है वो आप चेंज करेंगे तो आपके टेक्स्ट का सारा चेंज हो जाएगा। अगर आपको बॉर्डर्स चेंज करने हैं तो बॉर्डर्स के लिए भी ये सब गिवन है, ये देखिए इसमें जो भी आपका चेंज करना चाहते हैं। तो मैंने सिंपली अगर टेक्स्ट डाल दिया है फादर इन लॉ, ये सिर्फ एक एग्जांपल है जो आपको सीखने में हेल्प करेगा, जितना भी बड़ा करना है उसको स्क्रॉल करके बड़ा कर दीजिए और आपने फादर इन लॉ यहाँ लगा दिया, ठीक है। अब आपको अगर ये जो टेक्स्ट है ये पूरी ही वीडियो में चाहिए तो यहाँ से आप स्क्रॉल कर देंगे ना तो ये उतना ही लंबा होता चला जाएगा, ठीक है। अब आपका अगर ये ओके हो गया, अगर आपको ये जो वर्ड्स है टेक्स्ट है ये इसी लिमिटेड वीडियो के लिए चाहिए तो आप इसको स्टॉप कर दीजिए यहाँ पर और नेक्स्ट जो भी आपको बात लिखनी है या टेक्स्ट लिखना है वो आप यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद आप टिक को ओके कर दीजिए, ठीक है। अगर मैं प्ले करती हूँ तो आवाज को इग्नोर करना। झीलों का नजारा व्यक्ति को शांति और सुकून का एहसास कराता है, यही वजह है कि लोग छुट्टियों में। ये मेरा हालांकि पुराना दूसरा ऑडियो है जो कि मैंने इसको मर्ज किया है, लेकिन मतलब आप अपने अकॉर्डिंग अपना ऑडियो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हम बात करेंगे, टेक्स्ट आपको समझ में आ गया, अब हम बात करेंगे फिल्टर की। तो फिल्टर मैं तो यूज़ नहीं कर रही हूँ फिलहाल, आप देख लीजिए, ये देखिए ट्रेम्बल, जूम आउट, स्लो जूम, तो ये सब ग्लिच हैं। अब जैसे आपका नॉइस है, तो मतलब बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं, इन शॉर्ट में आप ज़रूर यूज़ कीजिए। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, अगर आप ब्रेक्स देखते हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ता है, लेकिन अगर आप ब्रेक्स नहीं देखेंगे तो ऑब्वियसली आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। आपने जो भी चेंज कर लिया, आपने इसमें फिल्टर में ओके कर दिया, ठीक है, आपने फिल्टर लगा दिया। अब आपका जब ये प्ले होगा झील देखने गए हैं, इस तरह से कुछ आपको अचानक से यहां मछलियों, तो इसको बंद कर दिया। अब फिल्टर आपका हो गया, पीआईपी में यूज़ नहीं करती, ड्यूरेशन में भी आप कर सकते हैं कि कितना फास्ट करना है आपको, या मतलब इसमें कितना, जैसे 5 सेकंड का है, अगर आपको इसको बढ़ाना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं ड्यूरेशन से, अदरवाइज आप स्क्रॉल करके करेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। स्प्लिट में आपका ये स्क्रीन डबल हो जाती है, जैसे कि मतलब इस तरह से हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है, टूट जाती है। डिलीट में अगर आपको ये आपने गलती से ऐड कर दिया और अब आपको डिलीट करना है, जैसे कि मैं डिलीट करवाती हूँ ये, तो वो एक जो होगी ना, जो छोटी सी वीडियो होगी वो डिलीट हो जाएगी। वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम में अगर आपके पास कोई भी वीडियो है जिसमें कि ऑलरेडी ओरिजिनल ऑडियो है आपका, जो आप नहीं चाहते हैं कि उसको ब्लॉगिंग में डालें, तो उस केस में आप यहाँ पे 0, अब ये तो फोटोज है तो इसमें वॉल्यूम नहीं है तो आप 0 कर सकते हैं। फिर आपका आता है बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में ये जो ये वाला जो बाहर का एरिया है ना, उसमें आपको बताना है कि जैसे आपको ये लेना है कलर, या आपको ब्लर लेना है या बड़ा लेना है, ये आप कोई भी बैकग्राउंड यूज कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम स्पीड में, स्पीड का मतलब कि आपकी वीडियो कितनी तेजी से चलेगी, अब आप वहां से डर के भाग जाएंगे। तो ये अभी एक्चुअली फोटोज है ना, तो वीडियो होती तो बहुत ज्यादा अच्छा दिखाती। अब आप रिप्लेस में, आपको अगर कोई भी वीडियो रिप्लेस करनी है दूसरी वीडियो से तो आप रिप्लेस का ऑप्शन यूज करेंगे। डुप्लीकेट में आपकी सेम रिपीट हो जाएगी ऑडियो, या मतलब वीडियो आपकी रिपीट हो जाएगी, ऑडियो नहीं होगी। रिवर्स में आपका पुराने वाला हो जाएगा, ठीक है। फ्लिप, फ्रीज, ये सब तो इतना ज़रूरी नहीं होता है। और जब भी आप मान लीजिए सेव करते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने कर लिया है वीडियो, इतना बना लिया मेरा, फिर भी ऑडियो लंबा है तो फिलहाल मैं लेकिन आपको सिखा ही रही हूँ। तो अब आप जैसे सेव करना चाहें तो सेव का ऑप्शन दबाएंगे, क्लिक करेंगे तो ये आपका आपको एक वीडियो दिखाएगा। सब खत्म हो गया, आपको ये स्किप करना ही पड़ेगा अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं तो, ठीक है। आप वेट कर लीजिए, ये स्किप कर लीजिए, स्किप पैसे नहीं होगा, थोड़ा वेट ही करना पड़ेगा क्योंकि आपने पेमेंट नहीं कर रखा इसका। तो वीडियो देख लेते हैं, चलिए। इसमें ऑलरेडी आ जाएगा कि आप अब स्किप कर सकते हैं, क्रॉस का ऑप्शन आ जाएगा, तो हमें वेट ही करना पड़ता है फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए। तो कल ही ऑर्डर कर दिया, अब फिर गूगल से।
देखिए अब ये क्रॉस का आ गया मार्क, इसको आपने क्रॉस कर दिया, ये कन्वर्ट हो रही है वीडियो आपकी 41% जैसे की, ठीक है। तो ये जब कन्वर्ट होगी तो आप इसको सेव, एक बार और सेव करके आप इसको सेव कर देंगे, तो ये आपकी गैलरी में जाके, आपकी गैलरी में जाके सेव हो जाएगी। अगर आपको ये मेरी समझाई हुई इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।